गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ आनंद प्रकाश एजुकेशनल अकेडमी। आई एम चंदा बंसल, डायरेक्टर ऑफ आनंद प्रकाश एजुकेशनल अकेडमी, एंड वी हैव बीन गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन जेईई एज वेल एज नीट। सो चिल्ड्रन, वी हैड स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ सॉल्यूशंस, वी वर मूविंग अहेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने अभी बहुत सारी चीजें की हैं, लाइक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। Now we will go towards conductance of weak electrolyte at infinite dilution. जब weak electrolyte को बहुत ज्यादा dilute करते हैं तो उसकी conductance increase होती है। So वो जो conductance increase होती है उससे हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। That is conductance of weak electrolyte at इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, उसको ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट करने के लिए उसमें बहुत सारा वाटर ऐड करना पड़ता है, मतलब उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट करना पड़ता है उसकी कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए। लाइक ओलरश हैज गिवन the conductance of weak electrolyte at infinite dilution, और उस लॉ को बोलते हैं कोलराश लॉ। कोलराश ने क्या स्टडी किया था कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सपोज NaCl एंड LiCl, NaNO3 एंड LiNO3, फिर NaBr एंड LiBr। जब इनके कंडक्टेंस को स्टडी किया तो ये देखा गया था कि इन दोनों के कंडक्टेंस का डिफरेंस से x अमाउंट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल के फॉर्म में उसको लेंगे। ऐसे ही इन दोनों के कंडक्टेंस का डिफरेंस भी सेम वैल्यू थी, दैट इज x। ऐसे इन दोनों की कंडक्टेंस के डिफरेंस भी सेम था x। मींस यहां से हमको एक कंक्लूजन मिलेगा कि तीनों पेयर्स में कंडक्टेंस था x। इन द सेम वे अब नेक्स्ट वाली चीज हम लेते हैं, जैसे NaCl एंड NaBr, ऐसे ही यहां पे हम लेंगे KCl एंड KBr, likewise LiCl एंड LiBr। अब आप एक बहुत अच्छी चीज देखोगे यहाँ पे भी कि इन दोनों के कंडक्टेंस का डिफरेंस एक वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू, सेम वाई। ऐसे ही इन दोनों कंडक्टेंस का भी डिफरेंस वाई, इन दोनों के कंडक्टेंस का भी डिफरेंस वाई। मीन्स यहां से ये कंक्लूजन मिलता है कि इनका डिफरेंस सेम है, तीनों पेयर्स, तीनों डिफरेंट पेयर्स हैं लेकिन उनके जो कंडक्टेंस का डिफरेंस है वो वाई है। ऐसे यहाँ पे भी तीनों पेयर्स डिफरेंट हैं लेकिन जो कंडक्टेंस का डिफरेंस है वो सेम वैल्यू है, दैट इज एक्स। इससे क्या पता चलता है, इस केस में कंडक्टेंस जो क्लोरीन की वजह से है वो कैंसिल हो गया, यहाँ भी कंडक्टेंस जो नाइट्रेट की वजह से है वो कैंसिल हो गया, यहाँ भी कंडक्टेंस जो ब्रोमीन की वजह से है वो कैंसिल हो गया। मींस तीनों पेयर में जो कंडक्टेंस है वो किस लिए है, बिकॉज ऑफ Na एंड Li। सो जो हमको x मिल रहा है वो इन दोनों की कंडक्टेंसेस दे रहा है सोडियम और लिथियम की। इन द सेम वे यहाँ पे कैटायन की कंडक्टेंस कैंसिल हो रही है तीनों पेयर्स में, मीन्स जो हमको कंडक्टेंस मिल रही है दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तीनों ही पेयर्स में क्लोरीन और ब्रोमीन है एनायंस, तो जो कंडक्टेंस की वैल्यू वाई मिल रही है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कैटायन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है कंडक्टेंस के लिए और एनायन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है कंडक्टेंस के लिए। यही चीज कोलराश ने बोली थी कि अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
एवरी आयन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, वेदर इट इज केटायन एंड वेदर इट इज एनायन, चाहे वो केटायन है या एनायन है, दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है कंडक्टेंस ऑफ दैट सोल्यूशन में. मीन्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी द सम ऑफ द आयोनिक कंडक्टेंसेस ऑफ बोथ एनायन एंड केटायन. इसको हम फॉर्मूले में लेंगे एक सिंपल तरीके से, जिससे ये कोलराश लॉ समझ में आए. आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम, दैट इज ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये लिखा जाएगा वी प्लस लैम्डा प्लस प्लस v माइनस लैम्डा माइनस. यहां पे v प्लस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, जितने भी पॉजिटिव आयंस डिसोसिएशन से बन रहे हैं, और v माइनस का मतलब क्या है, जितने भी नेगेटिव आयंस डिसोसिएशन से बन रहे हैं. लैम्डा प्लस का मतलब है आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन, और लैम्डा माइनस का मतलब है आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन. सो सपोज हम लेते हैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन एल्युमिनियम सल्फेट का, वो कैसे डिसोसिएट होगा, 2 Al3+ + 3 sulfate ions. मींस इस पर्टिकुलर केस में V प्लस की वैल्यू, नंबर ऑफ केटायंस प्रोड्यूस्ड, कितने केटायंस बने, सो 2 होगी V प्लस की वैल्यू एंड 3 होगी V माइनस, मतलब कितने एनायंस बने. ऐसे ही लैम्डा प्लस मतलब एल्यूमिनियम की अपनी अलग आयोनिक मोबिलिटी है, सल्फेट की अपनी अलग आयोनिक मोबिलिटी है. सो जो लैम्डा प्लस एंड लैम्डा माइनस है वो बता रहा है आयोनिक मोबिलिटीज. अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं जिनको डिफरेंट तरह से हमको सॉल्व करने हैं अलग अलग स्टेप्स में. सबसे पहले आप देखोगे, सपोज आपको गिवन है सोडियम एसिटेट, देन आपको गिवन है HCl, थर्डली गिवन है NaCl. ये 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हैं और इन सॉल्यूशंस की मोबिलिटीज भी गिवन है. हमको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड के लिए हमको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस. इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, इसकी भी गिवन है. इन सब के मोलर कंडक्टेंस गिवन है, इन की वैल्यूज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है. तो सोडियम एसिटेट की वैल्यू एज पर दिस, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लिखी हुई हैं, सोडियम क्लोराइड है 425.9 और HCl की वैल्यू है यहाँ पे 126.4. ये 3 वैल्यूज गिवन है. अब इनसे हमको निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए हम स्टेप्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे. इन तीनों कंपाउंड्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके समहाउ हमको लेना है एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड लाने के लिए क्या करोगे, मोलर कंडक्टेंस एक पहले आप रफ में आप देख लो, उसके बाद हम पूरी तरह से लिखेंगे. सपोज सोडियम एसिटेट प्लस HCl, इसका रिएक्शन अगर करवाते हैं तो ये क्या होगा, एसिटिक एसिड प्लस NaCl. यदि हमको सिर्फ एसिटिक एसिड चाहिए, मतलब मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे,
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन JEE में आ चुका है ऑलरेडी। सो सोडियम एसिटेट है यहाँ पे 91, HCl की वैल्यू है 126.4 और NaCl की वैल्यू है 425.9 और इससे हमको मिलेगी मोलर कंडक्टेंस फॉर एसिटिक एसिड। बस आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और ये वैल्यू आ जाएगी एसिटिक एसिड की। अगर ये वैल्यूज नहीं है, आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में इसको सॉल्व कर लो। सपोज इसकी वैल्यू हमको गिवन है एक्स, इसकी वैल्यू गिवन है वाई, इसकी वैल्यू गिवन है से जेड। सो सोडियम एसिटेट मतलब एक्स, HCl मतलब वाई एंड NaCl मतलब क्या हो गया जेड। ये वैल्यू हो जाएगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। सो सिंपली वैल्यूज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और जो हमको कंपाउंड चाहिए उसके मोलर कंडक्टेंस के लिए उसका कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट केस है सपोज यहां पे टू आयन्स बन रहे हैं, टू केटायन्स बन रहे हैं या टू एनायन्स बन रहे हैं, तब हमको कैसे सॉल्व करना है। सोडियम आयोडाइड है, फिर सोडियम एसिटेट है, मैग्नीशियम एसिटेट है, ये तीन कंपाउंड्स की कंडक्टेंसेस गिवन है और हमको निकालना है मैग्नीशियम आयोडाइड के लिए। सो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख के देखेंगे कि मैग्नीशियम आयोडाइड आएगा कैसे। जैसे सोडियम एसिटेट प्लस मैग्नीशियम एसिटेट, ये वाली वैल्यूज हमारे पास गिवन है। सोडियम एसिटेट की वैल्यू यहां पे है 9.10, मैग्नीशियम एसिटेट की वैल्यू है 18.78 और सोडियम आयोडाइड की वैल्यू है 12.69। अब हमारे को चाहिए मैग्नीशियम आयोडाइड, तो आप ये देखोगे कौन से कंपाउंड्स को आप मिक्स करोगे जिससे मैग्नीशियम आयोडाइड आ सके। यदि हम इन दोनों का रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम एसिटेट प्लस सोडियम आयोडाइड, तो ये बनेगा सोडियम एसिटेट प्लस मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, अब MgI2 है मतलब इसको यहां पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पे एसिटेट के 2 मोल्स है, मींस यहां पे हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट। अब आपको देखना है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। रिएक्शन बैलेंस्ड है। इस केस में हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो है मैग्नीशियम आयोडाइड। सोडियम एसिटेट को हमको माइनस करना है, मींस इन दोनों को ऐड किया, दिस प्लस ट्वाइस इनटू कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड वो हमको देगा ट्वाइस इनटू कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, मतलब ट्वाइस इनटू कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे मोलर कंडक्टेंस आएगी MgI2 की। तो अब हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे, इसमें 18.78 प्लस ट्वाइस इनटू 12.69 माइनस, क्योंकि इसमें से हमको सोडियम एसिटेट सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ट्वाइस इनटू 9.10, ये क्या देगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgI2 और इसकी वैल्यू आएगी अराउंड
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25.96। वैल्यूज पे बहुत ध्यान नहीं देना है, किस तरह से आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एग्जाम में करने के लिए, देन उसमें आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे ध्यान देना। अभी समझने के लिए कौन से कंपोनेंट्स को ऐड करना है, किस न्यूमरल से आपको मल्टीप्लाई करना है, ताकि जो कंपाउंड आपको फाइनली चाहिए वो आ सके। ठीक है, अब इसी में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, ये हमने पिछले क्लास में किया था कि मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हो 1000 के अपॉन सी। सो जब हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी है और मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसेंट्रेशन भी है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट सी अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आप समझ सको कि सी कंसेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मीनिंग है, जिससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू दी है एट सी कंसेंट्रेशन, मतलब ऑन कैलकुलेटिंग विद 1000 के अपॉन सी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये वाली वैल्यू दी है, तो डायरेक्टली आपको इसको पुट करना है 3.6 अपॉन 271.1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.125। अब आपको 11th का इक्विलिब्रियम चैप्टर याद होगा, इक्विलिब्रियम से इसका रिलेशन लेके भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जहाँ पे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो वो सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम अपकमिंग लेक्चर्स में लेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियो लेक्चर्स, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी आर देयर फॉर यू विद मोर ऑफ द वीडियो लेक्चर्स। Thank you so much.